हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की फिर ब्रांडिंग वीडियो। आज का भी लाइफ आफ्टर पे होने वाला है और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। लाइफ आफ्टर पे कोई कंटेंट नहीं बन रही थी, उसके लिए आई एम सॉरी, कहीं मैं बिजी था, इसकी वजह से मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो इसके वजह से मैं लाइफ आफ्टर की कोई सा कंटेंट या वीडियो नहीं ला पा रहा था। बट अभी मेरे चैनल पे वीडियोस कंटिन्यू रहेगी, मैं एवरीथिंग का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके सजेस्ट करना है कि किस टाइप की वीडियो लानी चाहिए। तो फिलहाल तो अभी न्यू अपडेट आ चुके हैं और न्यू अपडेट में क्या क्या न्यू ऐड होते हैं वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं न्यू अपडेट के सारा फीचर्स और जो जो न्यू अपडेट आते हैं तो उसका मैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आज का अपडेट का ही मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला हूं। तो सबसे पहला यहां पे अपडेट है गाइस कि आप लोग किसी भी गन को, आप लोग बैकपैक खोले किसी भी गन को टैप करते हो तो यहां पे आप लोग को दो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक आपको वेपन फार्मूला यहां पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग फार्मूला सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो भी फार्मूला बनाना चाहते हो। ये अब यहां पे इजी हो गया कि आप अपने बैकपैक में ही आप लोग बना सकते हो। यहां पे आप लोग को एनर्जाइज का भी ऑप्शन दे दिया गया, जो कि आप लोग मतलब एक्स्ट्रा इफेक्ट आप लोग दे सकते हो, जो कि आप लोग मतलब बोनस और इफेक्ट वगैरह दो जो भी आप लोग लगाना चाहते हो नैनो प्लास्टिक का यूज करके। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिपेयर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। रिपेयर ऑप्शन आप लोग नैनो प्लास्टिक के द्वारा कोई भी गन या फिर डिफ्यूजर को, किसी भी गन को आप लोग रिपेयर कर सकते हो, जो कि आप लोग सॉ ब्लेड वगैरह कुछ भी हो आप लोग उसको रिपेयर यहाँ से कर सकते हो इजी तरीके से, ठीक है। तो ये एक फीचर मेरे को बेस्ट लगा गाइस अब तक का, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कुल्हारी और हैचर भी आप लोग यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो, वो बहुत बेस्ट लगा, ठीक है। तो इसके अलावा गाइस अब हम लोग एक और चीज़ बात करते हैं कि एक और चीज़ को न्यू फीचर्स ऐड किया गया, जो कि आप लोग नीचे बैकपैक के पास फार्मूला का बटन दिख रहा होगा जहाँ से हम लोग क्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक क्राफ्टिंग और इंडेक्स और स्पेशल रिसर्च, यहाँ पे तीन ऑप्शन पहले से अवेलेबल था, बट एक यहाँ पे कंप्लीटेशन और एक फार्मूला आर एंड डी, यहाँ पे दो ऑप्शन को ऐड किया गया है। जहाँ पे आप लोग को कंप्लीटेशन में तो आप लोग को जितना भी जो भी गन का आप लोग का स्क्रीन वगैरह खुला है तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हो, प्लस में आर एंड डी फार्मूला में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फार्मूला आर एंड डी में कि आप लोग जो फ्यूजन आप लोग फार्मूला रिसर्च सेंटर से करते थे वो आप लोग अब यहीं से कर पाओगे, ठीक है। तो अब एवरीथिंग आप लोग जो भी गन को मॉडिफाई करना चाहते हो आप लोग यहीं से मॉडिफाई करते हो, अपने मतलब होम स्क्रीन से, मतलब आप लोगों को किसी डिवाइस में जाने की जरूरत नहीं, मतलब बोले तो रिसर्च स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक्सचेंज भी ऐसे कर सकते हो, जो कि फर्नीचर वगैरह जो भी आप लोगों को क्लॉथ था या फिर गार्डन का कुछ कुछ सामान था वो सब भी आप लोग यहाँ से भी रिडीम कर सकते हैं, इजी है। तो पहले तो हम लोग को जाना पड़ता था अपने मतलब रिसर्च स्टेशन है, पहले मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से, वहाँ से भी अभी भी हो रहा है, बट ये एक ईजी वे हो गया कि आप लोग अपने फार्मूला वाले सेक्शन से ही आप लोग कर सकते हो। तो रिसर्च सेंटर में आने के बाद यहाँ पे आप लोग सिंपल देख लेना कि एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग बना सकते हो इजी तरीके से, ठीक है, कर सकते हो। इसके बाद गाइज अब हम अगले फीचर्स की बात करते हैं कि अगले फीचर्स में किस किस टाइप के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं ये बता ही चुका हूँ कि स्पेशल आइटम में अगर आप लोग आओगे बैकपैक में तो यहाँ पे आप लोग का जितना भी आप लोग फार्मूला शार्ट कहीं से भी गेन करते हो तो आप लोग का स्पेशल आइटम में आके स्टोर हो जाएगा। पहले था कि आप लोग अलमीरा वगैरह में रखने पड़ता था, बट आपका क्या होगा, जितना फार्मूला आएगा आप लोग के बैकपैक के स्पेशल आइटम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये एक बेस्ट फीचर रहेगा कि आप लोग का स्पेशल आइटम में फार्मूला आ चुका, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी है गाइस, ठीक है। तो चलो अब अगले फीचर्स की बात करते हैं कि अगर आप किसी और के मैनर पे जाते हो तो यहाँ पे आप लोग उसके मैसेज बोर्ड को एक आध दफ़ा चेकआउट कर लेना, ठीक है, अदर प्लेयर के। तो यहाँ पे आप लोग जैसे फोटो में क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि प्लेयर का आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो अगर कोई वो अनबिहेवियर कर रहा है, ठीक है, या चीटिंग कर रहा है या फिर अदर्स या फिर यहाँ पे ऑफलाइन ट्रेडिंग या कुछ भी है वो कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर से या ऐड चला रहा है तो यहाँ पर से आप लोग सिंपल उसको रिपोर्ट कर सकते हो इन गेम, ठीक है। वॉट एवर जो भी आप लोग लिखना चाहते हो, डेवलपर तक मैसेज पहुँचाना चाहते हो तो वो आप लोग पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेस्ट फीचर लगा, पहले ही ऑप्शन नहीं था रिपोर्ट वाला, ठीक है, और अब ये रिपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है, किसी प्लेयर को रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं गाइस अगले फीचर्स में बात करें गाइस, तो यहाँ पे रिसीव जो कि आप लोग का मेल बॉक्स होता है, हम लोग जो भी गैदरिंग वाउचर से जो भी सामान परचेज करते हैं तो गैदरिंग वाउचर काफ़ी आप लोग का टाइम लेता है वो पहुँचाने के लिए, लगभग 5 से 7 मिनट लेता है, बट ये थोड़ा सा टाइम रिड्यूस कर दिया गया। आप लोग का जो गैदरिंग वाउचर से जो भी सामान खरीदते हो तो आप लोग के मेल बॉक्स में बहुत जल्दी पहुँचने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर लगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते गाइस एक अच्छा सा, जो कि आप लोग मॉल में आते हो तो यहाँ पे न्यू प्लेयर डिस्काउंट में आप लोग देख लेना कि यहाँ पे बहुत सस्ते में आप लोग को न्यू प्लेयर एज अ न्यू प्लेयर के रूप में आप ये दे रहा है। तो 50 फेड में आप लोग को यहाँ पे 12,500 गोल्ड बार प्लस में 1,000 यहाँ पे डॉलर देखने को मिल रहा है, और प्लस में बहुत सारा यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग फेड क्रेडिट से बहुत सस्ते दामों में आप लोग वन टाइम ही परचेज कर सकते हो, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते गाइस कि अगले फीचर्स में क्या क्या ऐड होने वाला है, तो एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है गाइस कि अगर आप लोग यहाँ पे जो डेली ऑप्शन के बगल में जो 4 डॉट दिखता, तो यहाँ से जो रिपोर्ट का पहले बटन देता था, एक रिपोर्ट का ध्यान रखना है, एक रिपोर्ट का पहले बटन देता था वो अब हटा दिया गया है,
प्लस में आप लोग सेटिंग में भी जाते हो तो यहाँ पे अपडेट नोट के बगल में भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस या फिर रिपोर्ट का बटन देता था, तो वो भी आप हटा चुके हैं। तो ये अब एक मुश्किल होगा कि अगर आपका अकाउंट लॉस हो गया या फिर कोई आइटम डिलीट हो गया तो उसको रिटीव करना, डेवलपर से बात करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। उसके बाद अगले फीचर्स की बात करी गई, तो अगर आप लोग टीवी में जाते हो, ठीक है, मैं एक सामान को मेंशन मतलब कर रहा हूँ, उसका ड्रॉप आप लोग का इंक्रीज कर दिया गया है। तो जैसे देखो डिशेज में जाते हो, ठीक है, तो डिशेज में ये एनिमल एंट्रेल करके एक जो ऑप्शन है, तो ये आप लोग का बहुत कम मिलता है, जो भी एनिमल को आप लोग मारते तो बहुत कम मिलता था, तो ये अब आप लोग का ड्रॉप ज़्यादा हो गया, मतलब ड्रॉप परसेंटेज आप लोग ज़्यादा हो गया किसी भी एनिमल को मारते हो, जैसे किसी भी स्पेसिफिक के एरिया में जहाँ पे ये मिलता हो तो वहाँ का एनिमल मारने पे ये ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक अच्छा लगा गाइस, ठीक है। तो बस गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है, मैं इसी टाइप का कंटेंट वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग को किसी भी रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको 100% रिप्लाई दूंगा और उस पर बनाने की वीडियो कोशिश भी करूंगा, ठीक है। और ये एक बात ध्यान रखना गाइस कि मतलब किसी को भी अब अकाउंट अपने फ्रेंड को भी क्यों नहीं हो, वो फ्रेंड भी क्यों नहीं हो, मतलब किसी को अकाउंट दो ही मत, मतलब अब क्या है कि आप लोग अपना अकाउंट को रिट्रीव भी नहीं कर सकते, डेवलपर से बात करने का ऑप्शन हटा दिया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब अकाउंट लॉस का वहाँ पे मैसेज गया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो कि जब से फेड क्रेडिट या फिर होपन या फिर ये परचेस करवाने लगे लोग दूसरों से, तो उनका अकाउंट हैक होने लगा, ठीक है, तो इसके लिए वो आप लोग थोड़ा सावधानी बरतना, क्योंकि अब डेवलपर से बात नहीं हो सकती। अगर पॉसिबल हुई तो मैं इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, ऑफकोर्स लाऊंगा, ठीक है। तो इन गेम आप लोग को अगर कुछ ही परचेस करवाना हो तो मैं अभी 8 महीने से जब से बैन हुआ मैं परचेस करके दे रहा हूँ विदाउट एनी रीजन, ठीक है, विदाउट एनी इशू। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आओ, डीएम करो, विद इन 5 मिनट के अंदर मैं परचेस करके देता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।